Very good morning, all of you students. Today I am going to tell you about the present perfect tense, negative sentence. तो आज जो है आपको affirmative बताया गया था, तो आज हम rule दिखाएंगे negative sentence. Negative sentence. नेगेटिव सेंटेंस यह है प्रेजेंट परफेक्ट का. प्रेजेंट परफेक्ट का है, ध्यान देना है. प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव बताएंगे. इसका मतलब होता है नकारात्मक हुआ. नकारात्मक हुआ. अब इसका रूल क्या है, अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. अब आपको सिंपल लगने लगेगा सब चीज. सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब आप जानते हो. यदि आप लोगों ने याद किया होगा, हैज है हो गया, प्लस नॉट लगाओगे. चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आती है. प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस ईटी. जैसे हमने दे दिया सेंटेंस, वह गीत नहीं गाया है, वह गीत नहीं गाया है, या उसने गीत नहीं गाया है, ऐसा सेंटेंस करके आ जाए तो क्या लिखोगे? इसका पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या है, लड़का है ही लगाएंगे. वर्ब की अब हेल्पिंग वर्ब आपका हैज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर में ही हैज संग. ही हैज नॉट, क्योंकि नॉट का प्रयोग है. ही हैज नॉट संग अ सॉन्ग. ये आपका इंग्लिश का सेंटेंस है. वह गीत नहीं गाया है. ही हैज नॉट संग अ सॉन्ग. ये आपका नेगेटिव हो गया. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इंटरगेटिव की तरफ. इंटरगेटिव देखेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरगेटिव का रूल क्या है, इसके बारे में हम बता देते हैं. इंटरगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस. इंटरगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, बार बार लिखना पड़ रहा है. प्रश्नवाचक हुआ क्या होता है, प्रश्नवाचक हुआ. सब याद कर लो, एक प्रश्नवाचक हुआ क्यों हो गया. अब सेम वैसे रूल है, क्यों वर्ब चेंजिंग होगा, वर्ब की चेंजिंग होती है, बाकी सब रूल वैसे ही लिखना है. इसमें पहला रूल हम डाल देते हैं. रूल क्या है, यदि प्रश्नवाचक, यदि प्रश्नवाचक, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आ जाए, वाक्य के शुरुआत में आ जाए. तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब. क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज या आएगा. यदि शुरुआत में आता है तो उसकी अंग्रेजी हैज हैव आएगी, प्लस आएगा सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस पीटी एक्सेट्रा. जैसे आप यहाँ सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लिख लो. एग्जाम्पल आपका क्या है, क्या वह अपना
काम समाप्त कर लिया है। क्या वह अपना काम समाप्त कर चुका है या कर लिया है, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह रखेंगे। अब क्या की अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, क्योंकि सिंगल नंबर है। हैज ही समाप्त कर लिया है, फिनिश। हैज ही क्या लिखोगे, फिनिश अपना काम हिज वर्क। हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क। हैज ही हिज वर्क फिनिश्ड समाप्त कर लिया है, हिज वर्क अपना काम। ये आपका हो गया। अब ऐसे और सारे सेंटेंस आप लोग बनाओगे, इसके बाद जो है अब नेक्स्ट इंटरगेटिव निगेटिव, इंटरगेटिव का दूसरा रूप बताएंगे।